चलो बेटा चलो बेटा, तुम भी भाई। कोई कुछ भी कहे, गाड़ी मत रोकना, मैं मर जाऊंगा वरना। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही? अरे हाँ भाई हाँ। चलो भाई, तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग, अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ। और मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, टट्टी आई है क्या? नहीं नहीं भाई, आज मजाक नहीं, आज तो बहुत पेला है। 32 नहीं भाई, 22 किल किए, 32 थोड़ा औकात के बाहर बोल गया मैं, माफ कर देना, क्षमा कर देना, गरीब हूँ। अब यहाँ पे हमेशा की तरह पोचिंग की में आए थे, और शुरुआत में तो भाई मेरी ऐसी पनौती लग गई, मेरा एक एक किल चोरी हो गया। लेकिन जैसे अपने नसीब ने पलटी खाई भाई, घपा गप किल से किल मिलते गए, और फिर मजा आ गया। और ये देखो चोर, चलो बेटा। अरे अब खोचू चुप भाई, ये बंदा यहाँ पे छुप के बैठा हुआ था, अच्छा हो मैंने इसको जल्दी देख लिया, वरना तो मेरा काम 25 यही पे हो जाता। अरे कहाँ पिट गया भाई तू, अब जाना पड़ेगा बचाने के लिए। कहाँ है बंदे? बगल में। अच्छा वो देखो, अरे तुमको किसने कहा इतने आगे जाने के लिए? तुम लोग क्यों जा रहे हो, रश क्यों कर रहे हो? मैं और टाइटन इधर ही है, और तुम लोग आगे कब चले गए? खैर छोड़ो, तुम थोड़ा दूर जाओ, नेट जाएगा। नेट नहीं है उसमें, 3 है। ठीक है भैया, आराम से देखना, पहले नॉक भी ना डाले मत जाना। अरे यार नॉक तो मैं ऐसे हलवे में कर देता हूँ, चलो बेटा दूसरा भी डाल देता हूँ। अब एक नॉक बंदा है तो फटाफट से घुस ही जाते हैं, है कि नहीं? चलो बेटा चलो बेटा, तुम भी भाई। मैं तो एक बंदा समझ के आया था यहाँ पे, लेकिन कम से कम 3 बंदे थे इधर। पर ठीक है यार, उनको हमने संभाल लिया। लेकिन इस गंदी नाली में एक कीड़ा आ चुका था, जिसको कि हम अभी नहीं मारेंगे। हमारे इस घर के ऊपर एक दो बंदे कैंप कर रहे हैं, तो उनको पहले खिलाते हैं। चलो बड़ा भाई, अभी ये 1 से 2 कब हो जाते हैं हमें तो पता भी नहीं चलता। इन्होंने तो प्रजनन प्रक्रिया को भी मात दे दी, तुरंत रिप्रोड्यूस कर लेते। चलो शुक्रवार है कि मैं यहाँ पे बच गया। और अब चलते आगे, हमारे सामने कुछ बंदों ने रश किया है, तो देते उनको खर्चा पानी, देते जरा। चलो भाई, अबे कहा देख रहा है भाई, ये तो पक्का अंधा है। और कहाँ पे, किधर से मार रहा है यार टाइटन? चलो बेटा, हमारे सारे टीममेट अपने अपने किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। जैसे कि चंदू भाई ले रहे हैं रिवाइव, और मैं मार रहा हूँ बंदे, और टाइटन नॉक हो रहा है। लेकिन ठीक यार, गनीमत है कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। अबे ये कौन है? चक्कू सिंह भाई, प्लीज बचा लो यार, बहुत ही अच्छा मैच जा रहा है, अगर इसमें मैं मर गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, पे क्या करूं मैं, बचा लो मुझे। बच गया। भाई आप कितना ड्रामा करते हैं, क्यों नहीं करे भाई? चलो भाई, अब हमने उस साइड का मामला साफ कर दिया है, और अगर नहीं किया तो मेरे को नहीं करना है मामला साफ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सांप, अगर उनको करना चाह साफ तो मैं ही हो जाऊंगा साफ। आज मौसम भी है साफ। कॉपीराइट वाले सेक्शन से क्या, किसको मरना ही नहीं था मेरे से इसको। ट्रिपल में है, बंदा था। अच्छा, और ये देखो एनाकोंडा का बाप, गबुन वाइपर, उधर नीचे, उधर ऊपर का पापड़ चुका रहता है। अब इस बंदे को तो कोई भी नहीं बचा सकता, इसकी किस्मत में अब मौत ही लिखी है, या फिर रिकॉल या फिर लॉबी, दोनों तीनों में से एक कुछ हो जाएगा। अब हमारी छत के ऊपर एक बंदा है, जो कि सांप की तरह इस छत से उस छत पे, नहीं सांप कूद सकता है क्या? सांप तो नहीं कूद सकता यार, बंदर की तरह। वो बंदा बंदर की तरह इधर से उधर छलांगे मार रहा था, और उसके बाद में हम जब आगे आए तो वो बंदा एकदम चिड़ी चुप हो गया। चिड़ी चुप मतलब एकदम शांत हो गया। लेकिन मुझे पता था कि ये बंदा यही आसपास कहीं छिपा हुआ है, और अगर मेरा कोई टीममेट ओपन में गया तो बंदा उसको मारेगा, और वो वही करता है। ये वाले ट्रिपल पे नॉक क्यों उठ रहा है? हाँ इसमें एक और है। चलो बेटा, मुझे पता था तू ऐसे ही करने वाला है, लेकिन इसको मारना काफी नहीं है। रोड की उस साइड इसके 2 बंदे बाकी है, तो मैं यहाँ पे एक स्मोक करता हूँ,
ताकि मुझे उस साइड जाके उसको फिनिश करने का मौका मिल जाए, क्योंकि भाई मौत तो कभी भी आ सकती है कि नहीं, इसलिए मैं चलता हूँ उसको मारने के लिए। और जब तक मैं यहाँ पे आता हूँ तब तक मेरे दो बंदे नॉकआउट हो गए और ये बंदे उन पे रश कर रहे थे। हमारे पर सारे नंबर चार देखना। चलो बेटा नीचे से एक और आ रहा है। अरे हाँ भाई हाँ, हेडफोन पहने हैं भाई। चलो बस आजा आजा, मैं नीचे बाहर हूँ, बाहर पकड़ो पकड़ो आजा। मैं नहीं बचा रहा, पहले फिनिश मार रहे थे। गाइस अभी प्लीज कोई बकचोदी मत करना, ये गेम प्ले बहुत अच्छा जाएगा, प्लीज। बैकअप देना। कितना हो गया? अरे भाई अब तो हो जाएगा, नहीं रोक सकता। अब क्या तुम्हें याद है कि मैंने छत पे एक बंदा मारा था? सेम वही बंदा इसी घर के नीचे वाली जो दीवार है उसके पीछे छुपा हुआ था। अब मैं सोच में पड़ गया कि भाई इसको बाहर निकालो कैसे, अगर राइट साइड से गया और मुझे उसने नॉक किया तो मेरे टीममेट मेरे को घंटा भी नहीं बचाने वाले। तो फिर मुझे ज्ञात होता है कि मैं तो मौली गॉड हूँ, तो ये ले। अब इसको फिनिश करके मैं थोड़ा लूट ही रहा था तभी मुझे आते बग्गी की साउंड, और वो बंदा वहाँ पे वो सामने वाले घर के अंदर जा चुका था जो कि पीला है ना उसके अंदर। अब मैं यहाँ पे अपने कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देता हूँ, लेकिन इसको मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। इसकी कहानी तो तुरंत ही खत्म हो गई, और उसको नॉक करते ही मेरे अंदर का मौली गॉड फिर से जाग गया। तो मैंने इस कोने में एक और दूसरी मौली करी इस खिड़की के पास, तो जलना तो पड़ेगा ही। अब हमें पता चलता है कि सामने वाले स्क्वाड हाउस पे कुछ बंदे हैं। तो मैं ऐसे ही मजाक मजाक में देख रहा था। अब ये देखो, ये मुझे पहले गाड़ी लगी लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये तो बंदा है। अब इसको तुरंत नॉक करते मैं गाड़ी की तरफ भाग रहा था, लेकिन गाड़ी की तो लंका लगी पड़ी है। तो मैं ऐसे ही स्मोक गॉड बनने की भी कोशिश कर रहा था। अबे मंत्र पढ़ रहा है क्या भाई? मजाक नहीं कर रहा, ये बंदा कैलकुलेशन लगा रहा था मुझे मारने की, लेकिन अच्छा वहां मैं बच गया यहाँ पे। अब मैंने मेरे टीममेट को चिल्ला चिल्ला के कहा कि भाई लोग ऊपर मत जाओ, मैं वहां पे नेट फेंक रहा हूँ, तुम लोग फालतू में निपट जाओगे है कि नहीं? लेकिन नहीं, तो फिर ये लो, उस बंदे को रिवाइव मिल गया और रिवाइव देने वाला यहाँ से गाड़ी लेके भाग चुका है। लेकिन जिसको नॉक किया था वो बंदा यहाँ पे अब भी है, पर हमें लगा कि वो दोनों यहाँ से चले गए। तो मैंने पहले जिसको नॉक किया था, हाँ वही मंत्र पढ़ने वाला, उसको भी रिवाइव मिल जाता है। और ये जल्दबाजी में नीचे गिर गया। देखो कहा ये? इधर है भाई तू। ओ नाजू पक्का। Awesome. अब हमें नहीं पता था कि वो स्क्वाड हाउस पे बंदा अब भी है। वो मेरे मासूम से छोटे भाई को कुत्ते की मौत मार देता है, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है। टाइटन जल्दी से जोन में चल, तुमको क्या लगा मैं उसका बदला लूंगा? उसको मरने तो गेम प्ले इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं बदला लेंगे उसका, लेकिन पहले जोन में तो जाने दो। अब इस बंदे को मैंने नॉकआउट किया था, उसके टीममेट ने उसको रिवाइव दिया और वहां से निकल गया, लेकिन ये धीट बंदा वहीं पे पड़ा रहा। और मुझे पता था कि ये पैदल आएगा क्योंकि गाड़ी तो वहां पे अपने छोड़ी नहीं। और ये देखो, गलत गल्ला ना करी। अब इसका एक टीममेट जो कि गाड़ी लेके भाग चुका था वो फालतू में ही डीपी चला देता है।
लेकिन यहाँ पे उससे भांडन करने का फायदा नहीं है, उठाओ गाड़ी और चलो जोन के अंदर, उसके बाद में उसकी चमड़ी उधेड़ता हूँ। चलो बड़ा। अरे यार ये रिलोड का क्या करूँ रे मैं, अबे क्या हो गया, बैन हो गया क्या भाई? इतनी जिद्दोजहद करने के बाद आखिरकार हमने पोचिंकी का मामला खत्म कर दिया भाई, पूरी मैच पोचिंकी में ही चली गई, लेकिन आखिरकार हम बच गए और 20 किल तो अपने हो ही चुके हैं, मतलब कि बढ़िया मजा आ रहा है मेरे को भाई। टाइटन मजाक नहीं कर रहा, अच्छे से गाड़ी चलाना वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझ रहा है ना तू क्या कह रहा हूँ मैं? हेलो, ये बहरा है भाई और अंधा भी। चल 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 आगे ले आगे ले, चल बड़ा थंडी भाई, बैठने दो यार मुझे बहुत ज्यादा, मैं बैठ रहा हूँ भाई। लोग भाई खड़े खड़े करते हुए थक गया। कमेंट्री कमेंट्री डर्टी माइंड्स, हे भगवान उठा ले रे टाइटन को। अब सच कहो तो इस मैच में चिकन डिनर हो जाता, लेकिन भाई सामने चार बंदे लेटे हुए थे, मैं क्या करता। चलो बेटा चलो बेटा तुम भी भाई, कोई कुछ भी कहे गाड़ी मत रोकना, मैं मर जाऊंगा वरना। मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है। और भाई ऑल पे अपने परिवार वाले अपुन को मिल गए थे, तो थोड़ा सा उनसे बातचीत कर लेते। ट्रेवो यार बोलो, आपका फैन भाई। अरे बोल रहा यार भाई प्लीज। हेलो ट्रेवो भाई, हेलो ऑल पे भाई। हेलो भाई, भाई बिग फैन ब्रो, बिग फैन भाई भाई। अरे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भाई, मैं तुम्हारा सब्सक्राइबर भी हूँ भाई। अरे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भाई। भाई बढ़िया एकदम यार, तुम्हारी वीडियो देख के ही मजा आता है भाई। बस क्या भाई आप लोगों का, बात तो सुनो, मैं आपकी शॉर्ट वीडियो भी देखता हूँ, लॉन्ग भी देखता हूँ। थैंक्स, लव यू। और क्या गाइस, आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, आप लोगों का है सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं। जो लोग भी अपन से प्यार करते उनके लिए मुंगा, और जो नहीं करते उनके लिए भी मुंगा, क्योंकि वो भी तो करेंगे फिर, है कि नहीं। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैच तुम्हें कैसा लगा। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। Wow!